हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों की डिमांड थी सर कुछ ऐसा वीडियो लेकर आ जहां पर हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम पीजी 2023 में। ठीक है, विच आर दी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इन सीयूईटी पीजी 2023। तो जो आपका सवाल था, जो आपका डाउट था, वो आज ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो तो टोटल 120 यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी सीयूईटी पीजी 2023 के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जो भी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका नाम आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर नेम और इनके लोगो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आती है वन ऑफ द फेवरेट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएचयू के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो उसके बाद में आती है आपकी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो बच्चे आंध्रा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, दूसरा यहां पर यह है आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो बिहार से बच्चे बिलोंग करते हैं तो वो याद रख सकते हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो बिहार में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में गुजरात की, देखो गुजरात में आपकी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हर जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी देखने मिलेंगी। यहाँ पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू की अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और ये रहा उसका लोगो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, तो टोटल ऐसे कुछ 120 आपकी यूनिवर्सिटीज है। देखो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट बता रहा हूं ताकि जो 120 नेम है ये आपके सामने आ जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, हर स्टेट के यहाँ पर नाम आ रहा है। देखो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसे भी याद रखो। ठीक है, ये नाम भूल जाते हो, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये नाम भी, ठीक है, उसके बाद में गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आता है आपका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है आपकी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका आता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाले आपकी एक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में आता है आपका फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिटी नेम नहीं है, लेकिन जैसे आप गूगल पे डालते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आसाम से हैं तो उनके लिए आसाम यूनिवर्सिटी। ये देखो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी भी आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जो मिजोरम मणिपुर वो साइड से बिलोंग करते हैं तो उनके नाम में मिजोरम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी सिक्किम यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, आप नाम नोट करके लिख लो। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता था कि कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए। तो एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, देखो राजस्थान में ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। ठीक है, बीआर बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली अहलिया विद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो मेवार यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आई होप आपको इसके नाम अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आप बाद में भी इसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पर तुरंत आपको सिर्फ यहाँ पर इसका नाम बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बाद में आती है आपके अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद में आपके IGTUW, ASBM यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू,
जम्मू से आपकी इससे पहले भी आपकी एक यूनिवर्सिटी आ चुकी है, उसके बाद में आपकी GGSIP यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है, मतलब यहां पर भी बात किसकी हो रही है, जम्मू की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, झारखंड के लिए झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्केल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका हिमालया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उसके बाद में आता है आपका महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, मनोरचना यूनिवर्सिटी और आपका मोदी यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हम, उसके बाद में देखो जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIMT यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आ जाएगा आपका GD गोनेका यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में आपका RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गैलाग्रोटस यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगा, ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर नाम है गीता यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद में देखो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगा, उसके बाद में स्कूल इनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, उसके बाद में संस्कृति यूनिवर्सिटी, संगम यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लास्ट में आपका मंगलात्मन यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, सोमालया विद्यालय यूनिवर्सिटी, अपिजय सत्य यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, NIIT यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, DICFAI यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अगर हम देखते हैं तो चाणक्य यूनिवर्सिटी, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, मनव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, देन रामाकृष्ण मिशन, विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके बाद में आपका लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर गुजरात विद्यापीठ, उसके बाद में आता है आपका दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गुरुकुला कांगरी, देन अविनाश लिगन इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमन, ठीक है, ये वुमन के लिए हायर एजुकेशन के लिए आपकी यूनिवर्सिटी है, गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटीज, गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ लखनऊ, उसके बाद में श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी, सुशांत यूनिवर्सिटी, विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन, फिर आपका लास्ट में अरुणाचल यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, NICMR यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका सीडो कनुलू मुर्मू यूनिवर्सिटी, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी, और सबसे लास्ट में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपकी लास्ट स्लाइड है जिसमें आपके हैं हेमवती नंदन बहगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल JNU वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसे हम JNU के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, उसके बाद में आपके मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पर निर्वन यूनिवर्सिटी, MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारे 120 यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET PG एग्जाम 2023 के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नाम है जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हो, और आपको ये नाम अगर इसमें आपको लोगो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे गूगल पर सर्च करते हो तो आपको पूरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करो, अगर इसके ऊपर आपको और वीडियो चाहिए तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन, सी यू।